जैन दोस्तों, आज आप सभी जानते हैं कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है वो कितना एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है और आज उसको आप अपने पहचान पत्र के तौर पर भी इस्तेमाल करते होंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका जो वोटर आईडी कार्ड होता है उसमें आपकी कुछ बेसिक जानकारियाँ होती हैं, जैसे आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ या जो आपका एड्रेस है वो, ये कुछ जानकारियाँ आपको आपके वोटर आईडी कार्ड पर देखने मिलती हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आपके वोटर आईडी कार्ड पर कुछ भी इनमें से जानकारी गलत हुई है तो उसको आप कैसे सही करा सकते हैं, वो आज के इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे कि अगर आपको कोई भी करेक्शन अपने वोटर आईडी कार्ड पर कराना है तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर आप उसको कहां पर और कैसे सही करवा सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों, यहां पर अगर आप अपने वोटर आईडी कार्ड में किसी भी तरह का कोई बदलाव या करेक्शन कराना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है। जैसे अगर आपको आपका एड्रेस चेंज कराना है तो एड्रेस के अंदर आपके जो डॉक्यूमेंट्स आप लगा सकते हैं वो है आपका आधार कार्ड, इसमें आप अपना राशन कार्ड भी दे सकते हैं, आप इसमें अपना कह सकते हैं पासपोर्ट भी दे सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ या फिर आपके नाम को बदलवाना चाहते हैं, कुछ करेक्शन कराना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे आपका पासपोर्ट हो गया, आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, आपका पैन कार्ड हो गया, ऐसे डॉक्यूमेंट्स को वहां पर आप लगा सकते हैं। और डेट ऑफ बर्थ के अंदर आपको एक बर्थ सर्टिफिकेट भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देना पड़ सकता है। अब दोस्तों, बात आती है कि ये डॉक्यूमेंट अगर अरेंज कर भी लिए जाए तो आप कैसे इस काम को कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर इस काम को अगर आप चाहें तो आप अपने स्मार्टफोन के जरिए आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए बस आपको थोड़ी सी जानकारी लेनी होगी इंटरनेट से। और यहाँ पर फ्रेंड्स, इस काम को करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है एक एप्लीकेशन जो कि भारत की जो इलेक्शन कमीशन है उन्होंने बनाया है और उस एप्लीकेशन का नाम है वोटर हेल्पलाइन। जी हाँ दोस्तों, ये जो वोटर हेल्पलाइन एप्लीकेशन है इसको आप प्ले स्टोर से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप का यूज़ करके आप अपने कह सकते हैं जो वोटर आईडी कार्ड है उसका रजिस्ट्रेशन स्टेटस चेक कर सकते हैं, एक नया रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई चेंज करना चाहते हैं वो आप इस ऐप के थ्रू इजीली कर सकते हैं। यानी कि आपके वोटर आईडी से जितनी भी सर्विसेज रिलेटेड हैं वो सारी सर्विसेज आप इस एप्लीकेशन के अंदर इजीली अपने घर पर बैठकर आसानी से कर पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और आपने अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।